हेलो डियर स्टूडेंट, मेरा नाम प्रज्वल सिंह है और मैं आपका टॉप 10 क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने पढ़ लिया था कि अम्ल क्या होता है और आज हम पढ़ेंगे आपका क्षारक मतलब कि क्षार और डिफरेंस क्या होता है, अभी हम आपको आगे समझाते हैं। तो सबसे पहले क्षार क्या है बच्चों, तो क्षार क्या है, वे पदार्थ होते बच्चों, इसे बताए थे आर्किमिडीज ने स्टार्टिंग में, वे पदार्थ जो जली विलयन में हाइड्रॉक्सिल आयन देते हैं तथा लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। लाल लिटमस पेपर क्या करते हैं बच्चों, नीला कर देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, क्षारक कहते हैं। तो अब क्षार और क्षारक में क्या डिफरेंस है, इसे हम जान लेते हैं। सबसे पहले देखो बच्चों, तो जो क्षारक जल में हाइड्रॉक्सिल आयन देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। तो कहने का मतलब कि क्षार क्या बच्चों, नोट, वे क्षारक जो जली विलयन में हाइड्रॉक्सिल आयन देते हैं, जली विलयन में हाइड्रॉक्सिल आयन देते हैं उन्हें बच्चों क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। उन्हें बच्चों क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। क्या इतनी बातें आई समझ में? तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्षार के प्रकार। तो क्षार बच्चों दो प्रकार के होते हैं, एक बच्चों आपको क्या था, प्रबल क्षार या क्षारक लिख लेते बच्चों, और यदि और एक लगते हैं आपका हम दुर्बल क्षारक। तो प्रबल क्षारक बच्चों क्या है, जो जली विलयन में 100% आयनित या बच्चों हम कह सकते हैं वियोजित, जो जली विलयन में 100% आयनित या वियोजित हो जाते हैं उन्हें कहते हैं प्रबल क्षारक कहते हैं, और जो 100% आयनित या वियोजित नहीं होते हैं, 100% आयनित या वियोजित, जो 100% आयनित या वियोजित नहीं होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, आपका दुर्बल क्षारक कहते हैं। जैसे हम बात करें NaOH, KOH, CaOH taken twice, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, etc. जैसे यहाँ पे बात करें NH4OH, AlOH taken twice, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, तो ये सब क्या है, दुर्बल क्षार है बच्चों, ये क्या आपका प्रबल क्षार है। अब हम बात करेंगे क्षारों के कुछ रासायनिक गुणों के बारे में, क्षारक के रासायनिक गुण। सबसे पहले बच्चों क्या है कि धातुओं से क्रिया क्या है बच्चों, जैसे हमने आपको कोई क्षार ले लिया और क्षार है बच्चों आपका NaOH और इसकी हम क्रिया करा रहे हैं आपका जिंक से, सक्रिय धातु से, तो क्या बनेगा आपका Na2ZnO। और देखिए बच्चों आपका क्या होना, Na2 बच्चों ZnO और क्या बच गया आपका H2, तो क्या बन गया आपका H2 बन गया। तो आपका हमने देखा कि जब आपका क्षार सक्रिय धातु से क्रिया करता है तो लवण बनाता, हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, तो आप लिख सकते हैं क्षार धातुओं, कौन धातु है, सक्रिय
क्षार सक्रिय धातुओं से प्रिया करके, सक्रिय धातुओं से क्रिया करके लवण व हाइड्रोजन गैस देता है, लवण हाइड्रोजन गैस देता है। और यदि हम बात करें कि अधात्विक मतलब अधातु ऑक्साइड से प्रिया, अधातु ऑक्साइड से क्रिया, अधातु ऑक्साइड से क्रिया क्या है बच्चों, कि जो आपके क्षार होते हैं, जैसे हमने ले लिया बच्चों आपका CaOH taken twice और अब क्रिया करा दे एक अधातु के ऑक्साइड का CO2 से, तो क्या बनेगा बच्चों आपका, देखिए Ca यहाँ पर है और CO2 को जैसे देखा तो गया पास में, क्या भैया क्रिया होगी, तो उन्हें कहा होगी क्यों नहीं, तो क्या बना दिया CO3 बना दिया, कैल्शियम कार्बोनेट बना दिया, और यहाँ बच्चे बच गया आपको क्या H2O, तो क्या बना आपका बच्चों H2O बना। तो कहने का क्या मतलब निकला कि अधातुएं कार्बन डाइऑक्साइड मतलब अधातु ऑक्साइड से क्रिया करके क्या बनाती हैं, लवण CaCO3 और क्या बना दिया आपका जल बना दी। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि क्षार अधातु ऑक्साइड से क्रिया करके क्षार अधातु ऑक्साइड, अधातु ऑक्साइड से अभिक्रिया करके अभिक्रिया करके लवण व जल बनाती हैं, लवण क्या बनाते हैं बच्चों जल बनाती हैं। इसी प्रकार हम देख सकते हैं बच्चों अम्लों से अभिक्रिया, अम्लों से अभिक्रिया, अम्लों से अभिक्रिया। तो अम्लों से अभिक्रिया क्या है बच्चों, आपका जैसे कोई क्षार ले लिया NaOH और किसी अम्ल से अभिक्रिया जैसे HCl, तो आपको पता है NaOH किस में ब्रेक होगा, Na प्लस और OH माइनस में, और HCl किस में ब्रेक होगा बच्चों, H प्लस और Cl माइनस में। तो EH किसके पास, OH के पास गया, और Na किसके पास गया, Cl के पास गया, तो Na नहीं जाएगा बच्चों Cl जाएगा, और यहाँ पर आपका OH जाएगा। ठीक है, हमेशा जो निगेटिव होता है पॉजिटिव के पास जाता है बच्चों, तो आपका क्या बना NaCl बना और प्लस क्या बना आपका H2O बना। तो कहने का क्या मतलब निकला कि अम्ल क्षार से अभिक्रिया करके, अम्ल क्षार से अभिक्रिया करके लवण व जल बनाती हैं, लवण व जल बनाती हैं। तो ठीक है बच्चों, ये क्या रहा आपका क्षार रहा, और आपको कुछ क्षार के उपयोग बता देते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग साबुन बनाने में होता है। आई होप बच्चों यदि आपको वीडियो पसंद आई हो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और जो आपके डाउट्स बचे हों, जो आपको न समझ में आया हो, उसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, फिर मिलते हैं बच्चों आपसे हम अगले वीडियो में।